राशियों का हाल, अब जानेंगे आज का महा उपाय। जी आज का महा उपाय बहुत खास है। बहुत सारे लोगों ने ऐसे प्रश्न किए हैं कि वो हाल फिलहाल में ऋण लेने जा रहे हैं, यानी कर्ज लोन लेने जा रहे हैं, तो लोन लेने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके ज्योतिषीय नियम क्या हैं, ये जानकारी आपने मांगी थी। तो अब मैं आपको बताता हूँ, आपको ये जान लेना चाहिए कि कब कब किस किस समय में ऋण लेना सही होता है, किस समय में ऋण लेने से बचना चाहिए। मकान, गाड़ी एवं शिक्षा के लिए अनेक सरकारी एवं प्राइवेट बैंकों से माध्यमों से आप ऋण लेते हैं और वह आपको बहुत आकर्षित करते हैं, लेकिन जनता को भी आवश्यकता है कि आप जब ऋण लें तो ऐसे समय में लें, ऐसी जानकारी के साथ लें, ग्रहों की ऐसी परिस्थितियों के साथ लें कि आपने जो कर्ज लिया है आप उसे वापस भी कर दें। आपको एक बार तो सहायता मिल जाती है, लेकिन सुनिश्चित समय पर आप जो है उस लोन की को चुका दें। आवास के लिए, नई कार एवं देश विदेश में अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त कराने के लिए आप लोन लें तो जरूर, लेकिन उनको सही समय पर आप उसका भुगतान करें। इसलिए लोग इन फिनांस कंपनियों का बैंकों से लोन लेते हैं, शीघ्र कर्ज से मुक्ति मिल सके इसके लिए ऋण लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। आइए मैं आपको बताता हूं। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार को छोड़कर के ऋण लेने के लिए अन्य सब वार शुभ होते हैं। फिर से सुन लीजिए, सोमवार, मंगलवार और गुरुवार, इन तीन दिनों को छोड़कर के बाकी सारे दिन कर्ज प्राप्ति के लिए बहुत शुभ हैं। संक्रांति की तिथि, अमावस्या, द्वितीया, सप्तमी एवं द्वादशी तिथियों को छोड़कर के अन्य तिथियों में ऋण लेना जो है वो बहुत ही शुभ होता है। कृतिका नक्षत्र, मृगशिरा, पुनर्वसु, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा और तीनों उत्तरा एवं पंचक में कर्ज ना ही तो लेना चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को कर्ज देना चाहिए। शेष नक्षत्र जो हैं वह ग्राया हैं, वो बहुत ही शुभ है। वृषभ और उसके साथ साथ जो ये व्यतिपात योग होते हैं, वैद्युति योग होते हैं, ऐसे योग में आपको कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। इसमें लिया गया कर्ज जो है वह कभी शुभ फलदायी नहीं होता और उसको वापस करने में, चुकाने में, उसके भुगतान करने में किसी भी जातक को बहुत ज़्यादा समस्या आती है। मंगलवार का दिन हुआ, संक्रांति का दिन हो गया, वृद्धि योग, हस्त नक्षत्र युक्त रविवार को अगर आप ऋण लें तो उससे आप कभी मुक्त नहीं हो सकते, तो ऐसी तिथियों में भी आपको बचना चाहिए। कृतिका, रोहिणी, आद्रा, अश्लेषा, उत्तरा, विशाखा और उसके साथ साथ ज्येष्ठा मूल नक्षत्रों में भद्रा में व्यतिपात में लिया गया कर्ज ऋण जो है वो जल्दी उतरता नहीं है और उतरने के बजाय दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता रहता है। तो ये जो कुछ बातें मैंने आपको बताई, उम्मीद करता हूँ आप अपने लिए जब भी आप कर्ज लेंगे, अपने परिवार के लिए, चाहे वो व्यापारिक लोन हो या पारिवारिक लोन हो, किसी भी प्रकार का ऋण हो, इन बातों का ध्यान आप अवश्य रखिएगा। इन बातों को ध्यान में रख करके यदि आप लोन लेंगे तो किसी भी प्रकार की असुविधा से और भविष्य में होने वाले वाद विवाद से आप बच सकते हैं। और आपने ये जो कर्ज आपको लेना है, आप जब इन चीज़ों का ध्यान रख करके इस कर्ज को लेंगे तो आप अपने लिए बहुत अच्छी परिस्थिति बना सकते हैं। जो भी कर्ज आपके ऊपर होगा आप सही समय पर उसे वापस कर पाएंगे। तो यह था आज का महा उपाय। शैलेश जुड़े हैं मैनपुरी से हमारे साथ। शैलेश, अपना सवाल पूछिए अपनी पूरी डिटेल के साथ। प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ 21 दिसंबर 1987 है जी। सुबह 4:55 जी। जी मैं अपने नौकरी के बारे में जानना चाहता, नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, कल लगेगी तो कब तक मिल जाएगी जी? देखिए, नौकरी न लगने का तो कोई प्रश्न नहीं है, ये बात जरूर है कि उसमें कुछ बाधा है, कुछ व्यवधान है, कुछ संघर्ष की स्थिति है और आपको भी उतने मनोयोग से प्रयास करना चाहिए। आपकी कुंडली ये बताती है कि अभी तक आपने पूरे मन से प्रयास नहीं किया है, जो भी बात रही है वो सिर्फ ऊपर ऊपर से रही है, आप इच्छा से पूरे मन से आप प्रयास नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी कुंडली के अनुसार जो परिस्थितियां बनती हैं वो अभी से 3 महीने बाद के बहुत अच्छे योग बनते हैं जिसमें आपको एक अच्छी नौकरी प्राप्त हो जाए और वर्तमान समय में भगवान श्री राम की आराधना करने से आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आपके ग्रहों की स्थितियां ऐसी हैं तो ऐसे समय में, ऐसे काल में राम रक्षा स्त्रोत का पाठ कर लेना या सिर्फ नियमित दिनचर्या में 5 माला ओम रंग रामाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छी सफलता दिलाएगा। अगले कॉलर महेश्वर हैं देवरिया से। महेश्वर, अपना सवाल पूछिए अपनी डिटेल के साथ। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1992 8 मार्च 10:35 PM जी। पंडित जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक तो फिलहाल मेरे लिए रिश्ता आ रहा है, ये रिश्ता आगे कैसा होगा और दूसरा पंडित जी भविष्य मेरा कैसा रहेगा जी?
देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार अभी आपकी कुंडली में विवाह के कोई बहुत अच्छे योग नहीं है और आपकी अभी ऐसी कोई अवस्था नहीं है कि आपके लिए समय निकला जा रहा हो। वर्तमान समय में आपको अपने करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए। आप 92 बॉर्न हैं और ऐसे समय में अगर आप अभी विवाह के संबंधों की तरफ ध्यान देने लगेंगे, रिश्ते तो बहुत सारे आते हैं, कुंडली का योग नहीं है, ये रिश्ता आपके लिए अभी बहुत उचित नहीं होगा। सबसे पहले आवश्यकता है कि आप अपने करियर की तरफ ध्यान दें, अपने करियर को सेट करें, तब आपको फायदा मिलेगा। तो ये था आज का आपके सितारे। आचार्य जी हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार। तो आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।